नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं HDFC बैंक के एक ऐसे ऑफर के बारे में जो दोस्तों अमेजन के ऊपर शॉपिंग करने पर मिल रहा है। दोस्तों अगर आप अमेजन से कोई मोबाइल खरीदते हो अभी, तो दोस्तों अगर आपका HDFC बैंक का कार्ड है, चाहे दोस्तों क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी खासी EMI पर कोई सही फ़ोन मिल सकता है। यहाँ दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पेमेंट नहीं होता कैश में फ़ोन खरीदने के लिए, तो दोस्तों वो EMI फ़ोन देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने पर। बट दोस्तों जो उनके पास कार्ड होता है उस कार्ड से उनका फ़ोन दोस्तों EMI नहीं मिल पाता। पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, दोस्तों डेबिट कार्ड हर किसी के पास मिल जाता है, तो जिन लोगों के पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है और वो कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों वो अमेजन के ऊपर एक अच्छा खासा फ़ोन खरीद सकते हैं। कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा, जिससे दोस्तों आपको दिक्कत ना हो। और दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना कि आपको कोई दोस्तों ब्याज वगैरह देनी हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, आपको उतने ही पैसे देने हैं जितने पैसे आप कैश में देना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अमेजन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आना है मोबाइल वाले ऑप्शन पर। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सभी ब्रांड के फ़ोन यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब दोस्तों आपको जौन सा ही फ़ोन खरीदना है वो फ़ोन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई सा फ़ोन दिखा देता हूँ, और ये नहीं है कि जो मैं आपको दिखाऊंगा आपको उसी पे EMI मिलेगी। आप जौन सा भी लेना चाहते हो उस पर दोस्तों आप क्लिक कर सकते हो, पर दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये वीवो का B21 जो दोस्तों एक नया फ़ोन है, लेटेस्ट फ़ोन 5G वीवो की तरफ से। अब दोस्तों देखिए इसकी जो प्राइस है 8GB और 128GB वाले वेरियंट की, वो दोस्तों 30,000 रुपये। बट दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नो कॉस्ट EMI का। तो दोस्तों आप इसे अगर EMI पे लेना चाहते हो तो दोस्तों कैसे ले सकते हो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ रहा है EMI ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए व्यू ऑनली नो कॉस्ट EMI ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई सा भी डेबिट कार्ड नहीं है, यहाँ सारे क्रेडिट कार्ड शो हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आना है डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर, डेबिट कार्ड EMI। जब दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो दोस्तों देखिए मेरे पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड अकाउंट है जो इसमें सेव है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास मैसेज आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन कि मैं यहाँ से डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर ये पहले शो कर दे रहा है कि जो 199 रुपये दोस्तों जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो बैंक आपसे लेगी, उसका इस अमेजन वाली एप्लीकेशन से कोई लेन देन नहीं है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फ़ोन सिलेक्ट कर लेते हो, आप खरीद लेते हो और बाई चांस आप उसे दोस्तों कैंसिल करते हो, तो जो दोस्तों आपको 199 रुपये बैंक काटेगा वो आपको अमेजन वापस नहीं देगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऑफर दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जी हमें डेबिट कार्ड के ऊपर EMI मिल रही है, जिसमें दोस्तों हमें एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। देगी लास्ट में हम यहाँ पर 2500 रुपये तक की किस्त बनवा सकते हैं 12 महीने की, जिसमें दोस्तों आपको लास्ट में सिर्फ 29,000-30,000 रुपये देने हैं। यानी दोस्तों आप 2500 रुपये से दोगे महीने के, तो दोस्तों आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। जितना पैसा आपको कैश में देना है 30,000 रुपये, उतना ही पैसा दोस्तों आपको 12 महीने में देना है। और दोस्तों अगर आप इससे भी कम EMI बनवाना चाहते हो तो दोस्तों देखिए यहाँ पर और ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए 1885 रुपये तक की EMI बनवा सकते हो 18 महीने की। बट दोस्तों इसमें आपको इंटरेस्ट देना होगा 16% का, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप एलिजिबल हो अपने डेबिट कार्ड शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन दोस्तों जो भी हमें ऑफर मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर ऑफर नहीं मिलते। बट दोस्तों ये सिलेक्टेड बैंक होती हैं, जैसे दोस्तों HDFC और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, इनके ऊपर दोस्तों कभी कभी ये जो ऑनलाइन जो शॉपिंग सेल होती हैं, साइट होती हैं, जो हमें कभी कभी ऑफर दे देती हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर अमेजन के ऊपर HDFC बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये ऑफर आ रहा है। तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड है HDFC बैंक का तो आप यहाँ से दोस्तों शॉपिंग कर सकते हो। आप अगर नो कॉस्ट EMI लेना चाहते हो तो आप 12 महीने तक की बना सकते हो, और आपको दोस्तों इंटरेस्ट तो कोई मतलब नहीं है। बट दोस्तों आपको किस चाहिए कम पैसा होगी तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो 18 महीने वाली को। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई सा ही फ़ोन खरीद सकते हो अच्छी खासी EMI के ऊपर, जिसमें दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे और एक साथ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और आप अपने बैंक अकाउंट के जो डेबिट कार्ड होता है उससे ही दोस्तों अपने घर पर कोई सा ही मोबाइल मंगा सकते हो अपना मनचाहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अमेजन के ऊपर कोई सा ही फ़ोन HDFC बैंक कार्ड से अच्छी EMI पर ले सकते हो बिना किसी दोस्तों ब्याज के और अपने मनचाहे EMI के ऊपर।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।